वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 4:15 का टाइम है, दोपहर की मतलब शाम होने वाली है और मैं यहाँ पर चाय बनाने आई हूँ क्षितिज के लिए। क्षितिज आने वाला है, उधर का सारा काम करके आई थी तो रोज आपको उधर के काम दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी शुरू करती हूँ ब्लॉग को। तो चाय बनाने आई हूँ, इनको दूंगी हल्दी का दूध क्योंकि ये थोड़े से अभी गिर गए थे स्कूटी से तो इनके गोड़े में खरोंच आ गई है, तो उसके लिए मैं इनको हल्दी का दूध देने आई थी और क्षितिज की चाय बनाने आई थी। तो थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी क्षितिज के साथ, थोड़ी आधी कप उसके साथ पी के आई हूँ, शिपलक्स आधा कप क्षितिज के साथ पी लूँगी। तो दूध दे रही हूँ मैं इनको, थोड़ी सी चीनी मिलाऊंगी और उसके बाद हल्दी मिलाऊंगी। हल्दी जो हम मसालेदानी डेली यूज करते हैं उसमें से नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसमें और भी कई मसाले गिर जाते हैं चम्मच वगैरह से, तो दूसरे डब्बे से डालनी चाहिए। तो जो आपके पास स्टोर की हुई हल्दी है उसमें से हल्दी डालनी चाहिए दूध में, तो मैं दूसरी हल्दी डालूंगी, मसालेदानी से नहीं डालूंगी। थोड़ी किचन अस्त व्यस्त हो रही है अभी क्योंकि मेरा आना जाना इधर कम हो रहा है, तो बस आती हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ का जो काम है वो कर जाती हूँ, थोड़ा वहाँ का ज़्यादा संभालना पड़ता है मुझे, शिप्रा का काम ज़्यादा संभालना पड़ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आके इनको भी संभालती हूँ क्योंकि इनकी भी चोट आ गई, तो ये थोड़ा सा गिर गए थे इनकी भी चोट आ गई, तो इनको भी संभालने आती हूँ और इनको दूध वगैरह दे के जाती हूँ, क्षितिज की चाय बना जाती हूँ। वैसे ये लोग बना सकते हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, एक कदम जाकर ही शिप्रा का घर है तो वहाँ से आ जाती हूँ और इनकी चाय बना जाती हूँ। शिप्रा और अथक की पहले बना के आती हूँ वहाँ पे चाय और फिर इनकी मतलब इनको दूध देती हूँ और क्षितिज की चाय बनाती हूँ, तो थोड़ी सी उसके साथ मैं भी चाय ले लेती हूँ। तो जब भी कोई चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध ज़रूर लें, इससे हमारी हड्डियाँ थोड़ी बहुत जुड़ती हैं। तो आज चाय की पत्ती भरी हुई नहीं थी तो मैंने सोचा चाय की पत्ती भी भर देती हूँ, तो बस चाय की पत्ती भर दूँगी तो 8-10 दिन चल जाता है, एक पैकेट होता है तो इतने मतलब टेंशन मिट जाती है। जब कोई डब्बा भर के जाती हूँ तो मेरा टेंशन मिट जाता है, ऐसे ही मसालेदानी भी भर जाती हूँ या फिर बहू भर लेती है, उसको भी टाइम नहीं है, बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, तो कई ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो मैं करके चली जाती हूँ। तो बस चाय की पत्ती भरिए, चाय बनाऊँगी और फिर शाम को मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, अब मैं दूसरे दिन की क्लिप आपको दिखाऊँगी। अथक के लिए एक जो है टिफ़िन मंगवाया था शिप्रा ने, ऑनलाइन मंगवाया था, तो बोल रही थी कि मम्मी क्या बनाएं क्या बनाएं जिससे कि नए टिफ़िन में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि जब भी कोई नया बर्तन हम यूज करते हैं तो उसमें कोई मीठी चीज़ डाल देनी चाहिए, तो और कुछ नहीं था मेरे पास सुबह सुबह, तो फिर मैंने उसके लिए हलवा बनाया था सूजी का। तो अगली मतलब आप दूसरे दिन की वीडियो देखेंगे अब जिसमें मैं हलवा बनाऊँगी और नमकीन चावल अथक की टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, तो बच्चों को कभी ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए टिफ़िन में। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है और ये टिफ़िन आया है ऑनलाइन अथक का। अथक कई दिनों से कह रहा था कि मुझे दूसरा टिफ़िन मंगवा दो मम्मी, तो ये टिफ़िन आया है जिसमें दो तो टिफ़िन है स्टील वाले और एक ही रोटी रखने के लिए है, तो इसको नया नया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पानी से धो दिया साफ़ और इसके बाद मैंने इसको तो रख दिया और फिर चावल बनाए। तो पहले तो मैंने चावल को धोए, मतलब जितने भी चावल मुझे बनाने थे वो धोए, और अथक को थोड़े से प्याज वाले चावल पसंद है तो उसके लिए तो मैं बनाती ही हूँ प्याज वाली चीज़ कोई ना कोई बना के देती हूँ कि हम बड़े नहीं खाते हैं तो क्या बच्चा तो खाएगा, उसकी इच्छा होती है क्योंकि वो स्कूल में बच्चों के साथ जब खा के आता है अपना टिफ़िन शेयर करता है या बच्चों का टिफ़िन शेयर करता है तो कहता है कि नानी उसके तो खाने में प्याज था तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका भी खाना बना देते हैं ऐसा जिसमें प्याज हो। तो ये चावल मैंने धो लिए हैं, भिगोने का टाइम नहीं था सुबह सुबह, आलू काट लिए टमाटर काट लिए और प्याज को भी मैंने तल लिया था, इसमें घी डाल के और प्याज भून लिए और फिर उसके लिए चावल बनाए, उसको बहुत पसंद आए और उसके दोस्तों ने भी शेयर किए थे उसके साथ। तो मैं घी डाल रही हूँ और अच्छा सा घी डाला मैंने चावलों में और फिर मैंने उसके लिए चावल बनाए क्योंकि उसके दोस्त भी शेयर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं हम टिफ़िन में उसको कि भाई वो भूखा ना रहे। तो मैंने इसमें इलायची डाली है, लौंग डाली है और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें भून लूँगी, जीरा डाल दिया है और इसके बाद आलू टमाटर हरी मिर्च वगैरह सारी भून लेंगे और फिर चावल को छौंक देंगे, सभी को आता है चावल वगैरह बनाना। तो
मेरे पास यहाँ पे स्टैंड नहीं है, रोज़ भूल जाती हूँ वहाँ से मोबाइल का स्टैंड जो होता है टाइप ऑफ, तो वो लाना भूल जाती हूँ, तो मैं एक हाथ से ही मतलब वीडियो बना देती हूँ, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन एक हाथ से ही, एक हाथ में अपना मोबाइल रखती हूँ और एक हाथ से खाना बना लेती हूँ। तो बस मिर्ची डाल दी, आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए और ये सारी चीज़ें जब भुन जाएंगी तो फिर चावल डाल दूँगी, और चावल जब डालेंगे तो उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी चावल से एक इंच ऊपर होना चाहिए, एक डेढ़ इंच, तो फिर आपके चावल ना तो गलेंगे और ना ही ज़्यादा पानी होगा, तो पानी का अंदाज होना चाहिए, उसके बाद अच्छे बन जाते हैं। नमकीन चावल है या कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो अंदाज इतना होना चाहिए पानी का, या पानी मतलब ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, एक डेढ़ इंच ऊपर होना चाहिए। तो मैंने नमक, मिर्ची, धनिया वगैरह डाल दिया, जो बेसिक मसाले डलते हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और बस मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और चावल बन जाएंगे। एक दो सीटी देने पर ही जो नमकीन चावल है वो बन जाएंगे, और वेज चावल समझिए इनको, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। तो जो भी सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं वो भुन गई हैं, और पानी डाल दूँगी, पानी के बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी और फिर एक दो सीटी दे दूँगी। दो सीटी में ही हो जाती है, कई कुकर ऐसे होते हैं जिसमें दो तीन सीटी में होती है, तो आपका कुकर जैसे भी जितनी भी सीटी में आपके भोजन को बनाता है उतनी सीटी आप दे सकते हैं। तो मैंने इसमें दो सीटी दी थी और बहुत अच्छे बन गए थे नमकीन चावल। अब बनाऊँगी मैं हलवा। हलवे के लिए मैंने ले ली है एक कटोरी सूजी ली है और साथ में एक कटोरी चीनी ली है, और मेरे पास अभी बादाम थे केवल, आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो घी डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और मैं इसको गुलाबी होने तक सेक लूँगी, बिल्कुल जब गुलाबी हो जाती है सूजी तो फिर तब तक आप सेक लें, उसके बाद बीच में आप बादाम डाल सकते हैं, पहले भी सेक सकते हैं बादाम को, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं, और ये हलवा बड़ा अच्छा बनता है। तो मुझे पहले नहीं आता था ये हलवा बनाना, लेकिन मेरी एक पड़ोसन थी जो बहुत साल पहले आई थी, सरदार जी थे वो लोग सरदार थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी आप हलवा बनाओ तो उसमें डबल पानी डालो, जितना भी आपने सूजी लिए उसका डबल पानी डालें। तो ये कलर लिया है मैंने मीठा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और मैं इसमें डाल दूँगी कलर भी, आपके पास केसर हो तो केसर डाल सकते हैं। तो ये कलर डाल के, और उसके बाद मैं चीनी डाल दूँगी, इलायची डाल दूँगी। तो हलवा बहुत अच्छा बना था, और अथक को बहुत ज़्यादा पसंद है, और नया टिफ़िन लिया था तो फिर अथक के टिफ़िन में तो डालना ही था हलवा। तो बस इलायची मैंने डाल दी है, कलर डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी, और पानी फिर इसमें डबल डाल दूँगी। जब तक पानी सूखेगा तब तक हमारी सूजी खूब मतलब फूल जाती है, और हलवा बहुत अच्छा बनता है। जब मुझे नहीं आया करता था ये हलवा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं पानी कम डाला करती थी, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें पानी ज़्यादा डलता है, तो वो हलवा मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था अपना बनाया हुआ हलवा। जब इनसे मैंने सीखा, मेरी पड़ोसन से, तभी हलवा अच्छा बनने लगा, और अब इतना अच्छा बनता है कि पूरा ही हलवा चट हो जाता है हमारे यहाँ, सब फटाफट लेके खा लेते हैं। तो सारी सूजी इसमें क्या है कि पानी से फूल जाती है, आप दूध भी डालना चाहें तो दूध से और भी अच्छा बनता है हलवा, तो दूध भी डाल सकते हैं इसमें। पानी जब सारा सूख जाए तो उसके बाद और भी आप घी डाल सकते हैं, ऊपर से घी डाल के और भी अच्छा लगता है ये हलवा, तो मैंने इसमें थोड़ा और घी डाला है, और ये देखिए हलवा बन गया। और सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी भगवान को। शिप्रा के किचन में भगवान की जो फ़ोटोज़ पड़ी हैं उनमें मैं सबसे पहले भगवान को चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं पल्लव जी के लिए भी निकालूँगी। तो जो भी चीज़ बनाते हैं पल्लव जी के लिए निकाल के और गाय को दे देते हैं। तो अभी मैंने भोग चढ़ा दिया है भगवान को। तो जब भी आप घर में कोई मीठा बनाएं ज़रूर भगवान के चढ़ाएं। चावल मेरे तैयार हो चुके हैं और ये निकाल दिया है मैंने पल्लव जी के लिए, तो गाय को दे देंगे। टिफ़िन पूरा लग चुका है अथक का, और देखिए इस टिफ़िन से वो बड़ा खुश होएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल।